ही ब्यूटीज़, व्हाट्सअप, आई एम आरजू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो गाइज, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले जो मैंने स्मिटन ऐप से प्रोडक्ट्स मंगाए थे उनके साथ एक स्किन केयर, बहुत ही अच्छा स्किन केयर मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ गाइड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंगवाया था एम कैफिन का स्क्रब, फेस स्क्रब है ये, कॉफ़ी फेस स्क्रब। तो मैं यहाँ इसमें से थोड़ा सा लूँगी इस टाइप से हैंड्स पे, देन इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे स्क्रब करूँगी फॉर 1 to 2 मिनट्स। अच्छे से बिल्कुल ही जेंटल हाथों से हम इसे स्क्रब करेंगे। एंड गाइस, सबसे पहला स्टेप स्क्रबिंग होता है, हम अपने अच्छे से पूरे फेस को स्क्रब करेंगे पहले, देन हम फेस मास्क अप्लाई करेंगे। सो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, रियल कॉफ़ी जैसे इसके अंदर से फ्रेगरेंस आती है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर छोटे छोटे इस टाइप से बीट्स जैसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे एंड जितनी भी डर्ट वगैरह है एंड ब्लैक हेड्स वगैरह हैं उनको सबको अच्छे से रिमूव कर देंगे। सो देख सकते हो आप, 1 to 2 मिनट्स अच्छे से स्क्रब करने के बाद ये पूरा एकदम से ड्राई हो चुका है। देन हम इसे वॉश कर लेंगे वाटर के साथ। सो वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं एकदम से स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। देन हम एक टॉवल से अच्छे से डैब डैब करके अपने फेस को ड्राई कर लेंगे, रगड़ना नहीं है हमें अपने फेस को, बिल्कुल ही अच्छे से डैब डैब करना है जस्ट, एंड जितना भी एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर लेना है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे प्लम का ग्लो गेटर फेस मास्क। ये भी मैंने स्मिटन ऐप से ऑर्डर किया था एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी इसमें से भी। तो मैं ये मास्क अब अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे अच्छे से, अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो किसी ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो, बट मुझे फिंगर से अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पर अपनी फिंगर का यूज़ करूँगी एंड इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। एंड गाइज, आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी अपनी स्किन केयर के लिए वो सभी मैंने स्मिटन ऐप से ऑर्डर किए थे ट्रायल सेक्शन में से। सो मैंने सभी एक ही साथ ऑर्डर किए थे ट्रायल सेक्शन में से 199 में। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्मिटन हॉल का। सो आप वो जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं एंड जितने भी प्रोडक्ट मैं आज की वीडियो में यूज़ कर रही हूँ उन सभी का परचेजिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइज। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे फेस मास्क पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन गाइज़, मैं यहाँ पे कुकुम्बर ले लूँगी कट करके एंड इसे मैं अपनी आईज़ पे रखूँगी, बिकॉज़ जब हमने पूरी स्किन की अच्छे से फेस की स्किन केयर की है तो हम अपनी आईज़ को कैसे भूल सकते हैं, तो कोई भी डार्कनेस वगैरह अलग से ना नज़र आए आईज़ के नीचे, तो इसलिए मैं खीरे रख लूँगी अपनी आईज़ के ऊपर। देन इनको 15 मिनट मैं ऐसे ही रखूँगी फेस मास्क और खीरों को। उसके बाद गाइज़, हम अपने फेस मास्क को वॉश कर लेंगे वाटर के साथ 15 मिनट्स के बाद। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है एंड एकदम से इतना अच्छा ग्लो इसने प्रोवाइड किया है चेहरे पे, एकदम से स्किन एकदम से क्लियर नज़र आ रही है, एकदम से ग्लोइंग एंड हेल्दी, एकदम से क्लियर, कोई स्पॉट्स वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन हो गई थी। उसके बाद गाइज़, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीरम, तो ये है 10% नायसिनामाइड सीरम डर्मको का, काफ़ी अच्छे वाला सीरम है। ये भी मैंने स्मिटन के ट्रायल सेक्शन से ऑर्डर किया था। सो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपने पूरे फेस पे। सो कुछ ड्रॉप्स लेंगे हम एंड इसे अच्छे से अपने हैंड्स के साथ हम अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पे। सो गाइस, सीरम हेल्प करते हैं हमारे डार्क स्पॉट्स डार्कनेस को कम करने में एंड जितनी भी पिगमेंटेशन वगैरह होती है उनको रेड्यूस करते हैं। मुझे तो पर्सनली सीरम्स यूज़ करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है कि मुझे सीरम्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो मैंने यहाँ पे सीरम अप्लाई कर लिया। देन है अब मॉइस्चराइज़ की बारी कि हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, बट आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप अपना
वाला मॉइस्चराइजर चूज़ करो। ऑयली स्किन के लिए भी बहुत सारे मॉइस्चराइजर आते हैं। सो गाइज़ ये था एम कैफिन का मॉइस्चराइजर, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है बिल्कुल रियल कॉफ़ी जैसी। तो इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड हम अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इजली अब्जॉर्ब होगी स्किन में, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। सो आप देख सकते हैं गाइज़ कितनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन लग रही है। मैं स्किन केयर करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो गाइज़ यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप लोगों को पसंद भी आई होगी। सो आप देख सकते हैं चेहरा एकदम से ग्लोइंग एंड चमकदार सा हो गया है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय।